स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल बेसिकली बच्चों क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, बस इतने सा है ओवरऑल। इसको देखिए, देन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज योर कार्डियक साइकिल। लब डब अपन बोलते हैं ना, धक 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 धक, एक्चुअली इट इज लब डब। तो सिंपल धक नहीं होता है, धक धक लब डब, तो वो पूरा एक कंप्लीट साइकिल होता है, उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो डेफिनेशन के हिसाब से लिखते हैं, कार्डियक साइकिल कार्डियक साइकिल क्या है बेसिकली, और वी कैन से द इवेंट्स, प्रॉपरली वर्ड लेते हैं कार्डियक इवेंट्स, ठीक है, कार्डियक इवेंट्स टेक प्लेस फ्रॉम beginning of one heartbeat to the beginning of next heartbeat, beginning of next heartbeat, next heart बीट। मतलब क्या हो बच्चों, वो इवेंट, वो कार्डिक इवेंट, ठीक है, जो विच टेक प्लेस बिटवीन, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट, ठीक है, वन हार्ट बीट से लेके दूसरी हार्ट बीट जब चालू होती है, नेक्स्ट हार्ट बीट तक जो पीरियड होता है वो होता है आपका कार्डियक साइकिल, ठीक है। और आप लिख सकते हैं कार्डियक इवेंट्स लिख सकते हैं, और सीक्वेंशियल चेंजेस, सीक्वेंशियल चेंजेस और कार्डिक इवेंट, ठीक है। द सीक्वेंशियल चेंजेस विच टेक प्लेस इन द हार्ट इज योर कार्डियक साइकिल। जो इंपल्स होती है वो ट्रेवल करती है किसके थ्रू, आपके ऑरिकल्स में ट्रेवल करती है, फास्टली जो ट्रेवल करती है ऑरिकल्स में, देन एवी बंडल के थ्रू जाती है, वेंट्रिकल्स में जाती है, ठीक है। तो इस कंडक्टिंग सिस्टम, ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है इंपल्स का, फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल, ठीक है, इसकी वजह से देयर इज अ डिले ऑफ मोर देन 1/10 सेकेंड बिटवीन पासेज ऑफ कार्डिक इंपल्स फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स, ठीक है। इसकी वजह से जो आपका कंडक्टिंग सिस्टम हो रहा है, इसकी वजह से देयर इज, कंडक्टिंग सिस्टम की वजह से देयर इज डिले ऑफ मोर देन 1/10 सेकेंड बिटवीन पासेज ऑफ कार्डियक इंपल्स फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स। तो बच्चों बेसिकली ऑरिकल्स क्या है, दीज आर द प्राइमरी पंप्स, ठीक है, दीज आर द प्राइमरी पंप्स, ये प्राइमरी पंप्स होते हैं। और जो वेंट्रिकल्स है वो क्या है, मेजर सोर्स ऑफ पावर, ठीक है, वेंट्रिकल्स क्या हुए, मेजर सोर्स ऑफ पावर फॉर जो ब्लड मूव कर रहा है, ठीक है, फॉर द मूविंग ऑफ द ब्लड इन द आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो वो जो ऑरिकल्स है वो प्राइमर ऑर्गन है, और जो वेंट्रिकल है वो मेजर सोर्स ऑफ पावर है फॉर द मूवमेंट ऑफ ब्लड इन योर सर्कुलरी सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब कार्डियक साइकिल, अगर मैं बोलूंगी कोई वर्ड सिस्टोल, ठीक है, इसमें मैं कोई वर्ड यूज करती हूं सिस्टोल, तो आपको समझना है सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन,
ठीक है, अगर मैं बोलूंगी डायस्टॉल, ठीक है, देन इसका मतलब होगा कि मैं बात कर रही हूं रिलैक्सेशन की, ठीक है, क्योंकि सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, डायस्टोल मतलब रिलैक्स करना. तो अगर मैं बात करूं ऑरिक्यूलर सिस्टोल की तो मैं बोल रही हूं ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर. और मैं बात कर रही हूं अगर ऑरिक्यूलर डायस्टोल की तो मतलब ऑरिक्यूलर आर रिलैक्सिंग, तो मतलब मैं क्या बोल रही हूं, ऑरिक्यूलर रिलैक्सेशन की बात कर रही हूं. इसी तरह से अगर मैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोल रही हूं तो मींस वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, तो मैं वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रही हूं. और वेंट्रिकल डायस्टोल्स मींस वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है बच्चों. तो आपको दो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, सिस्टोल एंड डायस्टोल, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एंड रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है रिलैक्स कर रहा है. तो चालू करते हैं, कार्डियक साइकिल को अपन स्टार्ट करेंगे. आप इस साइकिल को कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं, बट बेसिकली हमने अभी तक ओरिकल से ही स्टार्ट किया है हर चीज, तो हम ओरिकल से ही इस साइकिल को स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स देखते हैं पहले स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, और ये कौन सा, क्या है ये कौन सा साइड है, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल. अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बार तो हार्ट का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है. तो कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होइए, जब भी आप बनाते हो दिस इज राइट साइड, जब आप ब्लैक बोर्ड पर बनाते हो तो इस तरफ राइट आता है, इस तरफ लेफ्ट आता है, क्लियर. इसके बाद ये वेंट्रिकल्स है, ये ऑरिकल, यहां पे कौन सी वेन आती है, जो वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है, ये है सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, दिस इज इंफीरियर वेना कावा. और इस तरफ कौन सी वेन्स होती है, पल्मोनरी वेन्स, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, ठीक है. इस तरह से दीज आर पल्मोनरी वेन्स. यहां पे कोरोनरी साइनस होता है. अब जो राइट वेंट्रिकल है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है, लंग्स में जाता है, किसके थ्रू जाता है, आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. आगे ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. इसी तरह से जब का लेफ्ट वेंट्रिकल है इससे क्या निकलता है, सिस्टमिक एरोटा, ठीक है, इस तरह से. और यहां पे क्या पाए जाते हैं, वॉल्व्स, ठीक है, जो पल्मोनरी आपकी आर्टरी है, यहां पे क्या पाए जाते हैं, वॉल्व्स, वॉल्व्स ऑफ सेमी ल्यूनर, ठीक है, वॉल्व्स ऑफ सेमी ल्यूनर, यहां पे भी वॉल्व्स पाए जाते हैं सिस्टमिक आर्टरी में भी, ये इनको भी क्या कहते हैं, वॉल्व्स ऑफ सेमी ल्यूनर. बट जो इस तरफ है ये कौन सी वेन आर्टरी है, पल्मोनरी, दिस इज पल्मोनरी वॉल्व ऑफ, और यू कैन से पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है. इस तरफ, इसी तरह से
सिस्टमिक सेमीलूनर वॉल्व. ये चीजें हम पहले भी देख चुके हैं. अब होता है क्या है बच्चों, सबसे पहले जो अपन स्टेज डिस्कस करेंगे इसमें वो हम लेंगे ऑरिक्यूलर सिस्टोल. ठीक है, कार्डिक साइकिल में हम स्टार्ट कहां से करेंगे, ऑरिक्यूलर सिस्टोल से स्टार्ट करेंगे. तो बेसिकली होता क्या है, जब आप जो आपके ऑरिकल्स हैं, सिस्टोल मतलब ऑरिक्यूलर, ऑरिकल्स के करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, ऑरिक्यूलर के करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. जब आपका राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसके अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो आपका लेफ्ट ऑरिकल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो अब क्या होगा, ये ब्लड यहां से कहां आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा. ठीक है, तो जब ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड किस में आएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर आएगा. ठीक है, तो राइट ऑरिकल से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आएगा, और जो आपका लेफ्ट ऑरिकल है वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ये ब्लड तो इसमें आ गया. इसके साथ ही जो ऑरिकुलर जब सिस्टोल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पे और क्या चेंजेस हो रहे हैं, मतलब ये जो आपके वॉल्व्स हैं, जो वॉल्व्स हैं, ये पैड्स हैं, इनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, जो आपके इसको बोलेंगे हम, इधर लिख लेते हैं अपनी राइट साइड पे है, तो इधर अपन लिखेंगे राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व. ठीक है, लेफ्ट साइड पे है, इनको बोलेंगे लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व. ठीक है, तो समझने वाली बात यहां पे ये है, जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे जो वॉल्व है, जो राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व है और जो लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, इनमें क्या चेंजेस होंगे. क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड नीचे कैसे आएगा, जब ये जो वॉल्व है ये ओपन होंगे. ठीक है, ये वॉल्व जब ओपन होंगे तभी तो ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में आएगा. ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब ये ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों, तो ये वॉल्व जो है ये ओपन हो जाते हैं और जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में एंटर कर जाता है, इनके अंदर ब्लड आ गया. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो पूरा जो साइकिल जो भी हुआ, ये दो चीजें अपन ने देखी, ब्लड यहां पे इनके अंदर आया वेंट्रिकल्स के अंदर, और सेकंड चीज ये वॉल्व्स ओपन हो गए. तो दिस इज कॉल्ड ऑरिक्यूलर सिस्टोल, मतलब ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन. और जो ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन है बच्चों, ये कितने टाइम में होता है, इट इज अराउंड 0.1 सेकेंड. 0.1 सेकेंड के अंदर ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन होता है. जब ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, अब क्या हुआ, ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, अब ये वापस रिलैक्स हो जाएंगे. ठीक है, तो सेकेंड जो है अपन बोलेंगे इसको ऑरिक्यूलर डायस्टोल. ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, डीपोलराइज हो गए, अब वापस वो क्या करेंगे, रिलैक्स होना चाहेंगे. ठीक है, अब ऑरिक्यूलर ऑरिक्यूल्स जो है वो वापस रिलैक्स होंगे, क्योंकि अब ऑरिकल्स के अंदर जो एट्रियल प्रेशर वो क्या है, जीरो है. जो ऑरिकल्स हैं इनके अंदर अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो इनके अंदर एट्रियल प्रेशर जीरो हो गया. ठीक है, जीरो हो गया, तो अब जो वेन्स हैं इनके थ्रू वापस ब्लड इनमें भरना शुरू करेगा, क्योंकि वो ब्लड था वो नीचे चला गया, अब इनके अंदर एट्रियल प्रेशर खत्म हो गया. तो अब जो वेन्स होती हैं, जो आपके पल्मोनरी वेन्स और ये वेना कावा वेन्स होती हैं, जो सुपीरियर एंड इंफीरियर, इनके थ्रू वापस वो भरना चालू होता है. तो ये था ऑरिक्यूलर डायस्टोल. ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स हो गए वापस. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वापस रिलैक्स हो गए, अब आपके वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे. ठीक है, जो थर्ड इसमें स्टेज आएगी, दैट इज योर वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल,
और यू कैन से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब अब हम बोलेंगे कि अब वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. और प्लीज याद रखिए जब ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, ठीक है, और जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस टाइम पे ऑरिकल्स रिलैक्सिंग पोजिशन में होते हैं. तो अब हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की. तो मतलब ऑरिकल्स जो हैं वो रिलैक्स फॉर्म में, अभी कुछ भी नहीं कर रहे, वो रिलैक्स फॉर्म में, उनके अंदर धीरे धीरे ब्लड एंटर कर रहा है, ठीक है. तो अब बात करते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की. मैंने आपको बताया था जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती हैं वो बहुत ज्यादा थिक होती हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑरिकल्स. क्यों? क्योंकि इनकी किसकी बनी होती है, कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं, और इनको ब्लड सप्लाई करना होता है, बॉडी पार्ट्स को करना होता है, ठीक है, और लंग्स को करना होता है. तो ये जो वॉल्स होती हैं ये थिक होती हैं. अब जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये जो आपके वॉल्व्स हैं, राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व एंड लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है ये क्या हो जाएंगे, क्लोज, ठीक है, क्या होंगे, क्लोज. जब ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे तो ये ओपन थे, अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है, तो वॉल्व बंद हो जाएंगे. क्यों? ताकि ब्लड जो है वो वापस ऑरिकल्स में ना जा सके, ठीक है, इसलिए ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. आपको पता है यहां पे हमने स्टडी किया था जब वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स देखे थे तो मैंने बताया था यहां पे क्या होते हैं, इस तरह से कॉर्ड टेंडन होते हैं, सॉरी पैपिलरी मसल्स होते हैं, दीज आर पैपिलरी मसल्स. इन पैपिलरी मसल्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, कॉर्डे टेंडने इस तरह से अटैच होते हैं, ठीक है, इस तरह से अटैच होते हैं ना कॉर्डे टेंडने, ठीक है स्टूडेंट. तो अब क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और यहां पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहे हैं, वॉल्व बंद हो जाते हैं, ठीक है, वॉल्व बंद होते हैं. इसके साथ ही यहां पे कौन मदद करता है, जो आपने स्ट्रक्चर देखा था वॉल का, ठीक है, वेंट्रिकल की वॉल का हमने देखा था, पैपिलरी मसल्स होते हैं, इनके यहां पे क्या पाए जाते हैं, कॉर्डे टेंडने, ठीक है. तो ये कॉर्डे टेंडने क्या करते हैं, जो वॉल्व बंद हो गए वो ऊपर की तरफ वापिस ना चले जाए, खुल ऊपर की तरफ ये ऐसे ना हो जाए, तो इनको ये स्ट्रेच करके रखते हैं इन वॉल्व को, ठीक है. तो ये किसका, इसका किसका फंक्शन है, ये कॉर्डे टेंडने का फंक्शन है. तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोबारा बोल रही हूं, क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है जिसकी वजह से वॉल्व बंद हो गए. अब ये वॉल्व बंद हो रहे हैं एक साउंड के साथ, ठीक है, जब ये वॉल्व, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो एकदम से वो वॉल्व बंद होते हैं, तो एक साउंड के साथ, एक प्रेशर के साथ बंद हो रहे हैं, दैट इज योर फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज योर लव, ठीक है. तो कौन सी पहली हार्ट साउंड आती है, पहली साउंड जो आती है दैट इज योर लव. क्यों आई, क्योंकि जब ये वॉल्व्स जो हैं आपके, ये वॉल्व्स क्लोज करेंगे तब पहली हार्ट साउंड आएगी लव. क्लियर. तो ये था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये कितने टाइम पीरियड में होता है बच्चों, इट इज अराउंड 0.3 सेकेंड. जो वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो 0.3 सेकेंड के टाइम पे करते हैं, ठीक है. थर्ड हो गया अपना वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अब हम बात करेंगे जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, क्या बोलेंगे अपन, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है बच्चों. तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए कितने टाइम के अंदर, 0.3 सेकेंड के अंदर. इसके साथ ही और क्या हुआ, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, वॉल्व क्लोज है, अब ये ब्लड कहां जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आपका लंग्स में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो टू बॉडी पार्ट्स. तो यहां पे अब बात करते हैं, इसको मैं यहां पे क्लीन कर रही हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आए. इस तरह से थे यहां पे वॉल्व थे, सेमी ल्यूनर वॉल्व. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वॉल्व क्या होंगे, अब
ये वॉल्व क्या होंगे, ओपन होंगे, ठीक है, ये जो वॉल्व हैं ये क्या हो जाएंगे, ओपन होंगे, ताकि ब्लड अब इन आर्टरीज में जा सके. तो दोनों सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है. वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, उस टाइम पे जो सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं आपके पल्मोनरी आर्टरी के और सिस्टमिक आर्टरी के, दोनों ओपन हो जाते हैं ताकि यहां से ब्लड अब इनमें जा सके. क्लियर. तो अब यहां से ब्लड इनके अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर ज्वाइंट डायस्टोल. ज्वाइंट डायस्टोल मतलब ज्वाइंट रिलैक्सेशन. डायस्टोल का मतलब क्या हुआ, रिलैक्सेशन. मतलब ऐसा टाइम आता है अब जब जो चारों आपके हार्ट के चैंबर्स हैं वो चारों रिलैक्स हो जाते हैं. आपके ऑरिकल्स भी रिलैक्सिंग रिलैक्स कंडीशन में है, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स कंडीशन में है इस टाइम पे. तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल. होता क्या है, हमने देखा लेफ्ट, आपने देखा वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्व क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, सॉरी ओपन हो जाते हैं, ताकि जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है ये ओपन होते हैं ताकि ब्लड ऊपर जा सके, ठीक है. अब और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड का वॉल्यूम उनके अंदर क्या होता है, ब्लड कम होता है और प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम पे ब्लड का जो वॉल्यूम है उनके अंदर, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है. अब जब ज्वाइंट डायस्टोल होता है उस टाइम पे क्या, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स है, ऑरिकल्स भी रिलैक्स है, ठीक है. अब जब चारों कंपार्टमेंट रिलैक्स हैं तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, अब रिलैक्स है यहां पे, ठीक है, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और प्रेशर डिक्रीज करेगा. उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से ये हो सकता है जो यहां पे ब्लड है रिलैक्सिंग कंडीशन में, ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल की बात कर रही हूं, तो जो अब रिलैक्स है वेंट्रिकल्स, तो ब्लड वापस जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है. ये जो है आपकी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक आर्टरी, यहां से ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में आ सकता है. तो उसके लिए क्या होगा, ये जो वॉल्व है ये दोनों क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है. जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, जो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स है ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, विद अ साउंड दैट इज योर सेकेंड हार्ट साउंड. That is the second heart sound called dub. कौन से heart sound है, second heart sound, that is your dub. You can also call it S2 और lub जो sound है उसको आप S1 बोल सकते हैं, ठीक है students. दोबारा repeat करते हैं, first A होती है auricular systole, ठीक है, उसमें क्या होता है, auricular auricles contract करते हैं, ठीक है, और ये आपके जो वॉल्व हैं आपके राइट एंड लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं ये ओपन होते हैं फर्स्ट स्टेज के टाइम पे, ऑरिकुलर सिस्टोल. देन यहां से ब्लड इनके अंदर आ गया, वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया. अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, इसकी वजह से वॉल्व जो है बंद हो जाएंगे, वॉल्व अब क्लोज हो गए. पहली हार्ट साउंड आती है जब वो वॉल्व क्लोज होते हैं, तो पहली हार्ट साउंड आती है, दैट इज योर लब, ठीक है. ये हो गया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन. अब हम बात कर रहे हैं जॉइंट डायस्टोल की, मींस चारों कंपार्टमेंट जो हैं अब रिलैक्स कंडीशन में है, तो उस टाइम पे जब रिलैक्स कंडीशन में है तो जो वेंट्रिकल्स हैं इनके अंदर ब्लड का प्रेशर क्या है, कम है, और जो ब्लड का वॉल्यूम है वो ज्यादा है. तो हो सकता है कि जो आर्टरीज हैं ऊपर, पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक आर्टरी, इनसे ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में आ जाए, तो इसके लिए जरूरी है इन वॉल्व्स को बंद करना. क्लियर. ये वॉल्व जब बंद हो जाएंगे तो ब्लड फ्लो वापस नहीं होगा, ठीक है, और जब ये वॉल्व वापस क्लोज होते हैं तो सेकेंड हार्ट साउंड आती है, दैट इज योर डब साउंड. तो लब एंड डब, लब डब, यही आपकी कार्डियक साइकिल है.
और लब डब जो साउंड है, ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल कितने टाइम में होता है? 0.4 सेकेंड. ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल का टाइम है 0.4 सेकेंड. तो जो पहला हुआ था ऑरिक्यूलर सिस्टोल, वो हुआ था अपना 0.1 सेकेंड के अंदर. और जब जो अपना वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल हुआ था वो कितने टाइम में हुआ था? 0.3 सेकेंड. और जो अपना ज्वाइंट डायस्टोल है वो कितने में हो रहा है? 0.4 सेकेंड. और एक चीज हमेशा याद रखिए, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस टाइम पे ऑरिकल्स रिलैक्स होते हैं. और एक स्टेज आती है जॉइंट डायस्टोल, जिसमें चारों ही कंपार्टमेंट रिलैक्सिंग स्टेज में होते हैं. ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हुआ? 1 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड. टोटल 0.8 सेकेंड. टोटल हुआ 0.8 सेकेंड. तो जो आपकी कार्डिक साइकिल है वो 1 सेकेंड से भी कम में कंप्लीट हो जाती है. मतलब 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड भी पूरा नहीं होता है, उससे पहले ही आपकी कार्डिक साइकिल, इतना कुछ हो जाता है हार्ट के अंदर. तो ये बहुत अमेजिंग चीज है, बहुत कुदरत की एक, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग आप बोल सकते हैं कि मतलब 1 सेकेंड से भी कम टाइम में इतना कुछ हो रहा है. ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेशन लगाते हैं हम. ऑरिकुलर सिस्टोल मतलब ऑरिकुलर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं 1 सेकेंड में. अब जो ऑरिकुलर डायस्टोल का टाइम क्या है, मतलब जो ऑरिकुलर है, ऑरिकल है, वो रिलैक्स कितने टाइम कर रहे हैं? जब ऑरिकुलर ऑरिकल सिस्टोल हो रहा है, ठीक है, तो वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं उस टाइम पे? वेंट्रिकल रिलैक्सिंग कंडीशन में है. ठीक है, और जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं उस टाइम पे ऑरिकल रिलैक्स होंगे. तो कितने टाइम के लिए ऑरिकल रिलैक्स है? 0.3 सेकेंड. ठीक है, तो 0.3 सेकेंड प्लस जब जॉइंट डायस्टोल हो रहा है उस टाइम पे भी तो ऑरिकल रिलैक्सिंग कंडीशन में है, तो कितना टाइम है? 0.4 सेकेंड. तो टोटल कितना हुआ? 0.3 प्लस 0.4, 0.7 सेकेंड. ठीक है, तो अब कैलकुलेट करते हैं ऑरिकुलर सिस्टोल को और ऑरिकुलर डायस्टोल को. 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड. ठीक है, दोबारा देखिए, जो ऑरिकल हैं, ऑरिकल्स हैं जो जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो मैंने बोला 1 सेकेंड के अंदर करते हैं. अब ऑरिकुलर रिलैक्स कितने टाइम के लिए करते हैं वो भी तो पता होना चाहिए. तो ऑरिकुलर जब रिलैक्स करते हैं, ठीक है, कब करते हैं? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस टाइम पे ऑरिकल रिलैक्स करते हैं. तो वेंट्रिकल कितने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 0.3 सेकेंड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो पहला तो हो गया 3 सेकेंड, 0.3. ठीक है, और जब जॉइंट डायस्टोल हो रहा है उस टाइम पे भी ऑरिकल रिलैक्स कर रहे हैं, तो मतलब 4 सेकेंड. तो टोटल 0.7 सेकेंड के लिए, 0.7 सेकेंड के लिए क्या कर रहे हैं? ऑरिकल रिलैक्स कर रहे हैं, और सिर्फ 1 सेकेंड के लिए वो काम कर रहे हैं. अब बात करते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल की, वो हमको पता है 0.3 सेकेंड है. अब वेंट्रिकल रिलैक्स कितने टाइम के लिए कर रहे हैं? वेंट्रिकल कब रिलैक्स करेंगे? जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. तो ऑरिकल कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 0.1 सेकेंड. ठीक है, तो 0.1 प्लस जब जॉइंट डायस्टोल है उस टाइम पे भी ऑरिकल भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स. ठीक है, तो वेंट्रिकल रिलैक्स कब हो रहे हैं? जब जॉइंट डायस्टोल है, मतलब 0.4 सेकेंड. टोटल कितना हो गया इन दोनों का? 0.5. 5 प्लस 3, 0.8 सेकेंड. निकल गया ना वैल्यू. ठीक है, तो पूरी जो कार्डिक साइकिल है वो कितने टाइम के लिए हो रही है? 0.8 सेकेंड के लिए हो रही है सिर्फ. ठीक है, मतलब 1 सेकेंड से भी कम टाइम है, 0.8. जिसमें भी बच्चों जो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए कर रहे हैं, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.3. तो मतलब 8 सेकेंड से भी सिर्फ 4 सेकेंड ही हार्ट आपका काम कर रहा है, बाकी टाइम तो वो रिलैक्स ही है.
तो मतलब विद इन 0.4 सेकंड ही तो हार्ट काम कर रहा है, बाकी टाइम तो ओरिकल भी रिलैक्स है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स है। तो सोचिए आप 1 सेकंड, मतलब 0.8 सेकंड हम टोटल लेते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड की, लेकिन उससे भी आधे टाइम पे ही तो ये काम कर रहे, बाकी टाइम तो वो रिलैक्स है। तो कितना कम टाइम लेता है हार्ट इस कार्डिक साइकिल को करने के लिए, अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। तो क्या निकला अपना 0.8 सेकंड, कार्डिक साइकिल कंप्लीट होती है 0.8 सेकंड, और यू कैन से रिवर्स ऑफ योर हार्ट बीट पर मिनट। तो आपकी हार्ट बीट कितनी होती है 72, रिवर्स ले रहे हैं अपन, 60/72 इज इक्वल टू 0.8 सेकंड। तो इस तरह से भी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देखा कार्डिक साइकिल, बहुत सिंपल सी साइकिल है, कुछ भी नहीं है, ओरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड जॉइंट डायस्टोल, मतलब चारों कंपार्टमेंट जब रिलैक्स हो जाते हैं। और समझने वाली बात है, ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ओरिकल रिलैक्स करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने कार्डिक साइकिल देख ली, समझ में आई, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अब इस साइकिल को हम एक सर्किल में देख लें, ये बाहर वाली जो लाइन दिख रही है ये है आपका ओरिकल, ठीक है, इसको हमने किससे डिनोट किया है, ये है आपका ओरिकल, ठीक है। और जो ब्लू में है, जो को ब्लू में दिख रही है, ठीक है स्टूडेंट, ब्लू में ये हम डिनोट कर रहे हैं वेंट्रिकल्स को, ठीक है। ये सर्किल है, इसमें हमने अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए हैं, कितने, कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड की है, तो फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। तो ओरिकल की बात करें, बाहर ओरिकल को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, तो ओरिकल जो है मैंने बताया, ओरिकल जब कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 0.1 सेकंड, ठीक है। तो ये है, ये आपको दिख रहा है, इसमें हमने ओरिकल को डिनोट किया है ब्लैक इससे 0.1 सेकंड के लिए। तो ओरिकल कितने टाइम के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं, 0.1 सेकंड। वेंट्रिकल्स की बात करें, जो हमने अंदर ब्लू में बनाया है, ये आपका वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, 0.3 सेकंड, 0.3 सेकंड। तो इसको देखिए, 1, 2 एंड 3, 3 को हमने कंपार्टमेंट को हमने इस तरह से लाइन की है, तो 0.3 सेकंड, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इस तरह से सर्किल के थ्रू भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, जो ओरिकल होते हैं वो 0.1 सेकंड के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं, और जो वेंट्रिकल हैं वो 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स इससे ही रिलेटेड, लाइक आपका पहला है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये क्या होता है बच्चों, लिख लीजिए, इट इज द जब आपके डायस्टोल आपको जो वेंट्रिकल्स हैं जब वो रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, when ventricles are in diastole, ठीक है, then fillings of ventricle normally increases the volume of ईच वेंट्रिकल बाय 120 मिलीमीटर, ठीक है, ईच वेंट्रिकल अबाउट 120 ml। ये होता है आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग डायस्टोल, ठीक है, या प्रॉपर आप बोल लीजिए ड्यूरिंग डायस्टोल, ठीक है, जब
रिलैक्सेशन का टाइम होता है, उस टाइम पे जो आपका वेंट्रिकल का फिलिंग होता है, ठीक है, फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल नॉर्मली इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ईच वेंट्रिकल अबाउट 120 मिलीमीटर, दैट इज योर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हुआ, EDV से डिनोट करेंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इच इज 120 ml. ठीक है, अब देखते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. सेकंड इसमें हम देखेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इसको मैं क्लीन कर रही हूं. एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम सेकेंड अपन देखेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मींस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब ESV हुआ शॉर्ट. एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बच्चों क्या, जब जो आपके जब जो आपके क्या बोलते हैं ऑरिकुलर वेंट्रिकल्स जो हैं जब, ठीक है, उस जब वो किस कंडीशन में होंगे. सिस्टोल मतलब क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, ठीक है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद द रिमेनिंग ब्लड इन ईच वेंट्रिकल, ठीक है, रिमेनिंग ब्लड इन ईच वेंट्रिकल इट इज अराउंड 50 ml. ठीक है, कितना होता है ये 50 ml. अब बच्चों आता है थर्ड टर्म, स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, जो वेंट्रिकल रिलीज करते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड लिख लीजिए आप, अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज बाय, और यू कैन से अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय हार्ट, ठीक है, और यू कैन से वेंट्रिकल्स. अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द वेंट्रिकल, इसका इसको कितना है, ये होता है आपका 70 ml. ये होता है आपका 70 ml. कितना होता है 70 ml. स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकलता है, आपका EDV माइनस ESV. मतलब EDV मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. तो कितना हुआ आपका 120 था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, 120 माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज 50, देन इक्वल टू 70 ml. ठीक है, तो ये होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम. नंबर फोर है यहां पे आपका, इधर लिखते हैं ऊपर, नंबर फोर दैट इज योर कार्डियक आउटपुट. अभी कार्डिक आउटपुट क्या है बच्चों, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट, क्या, और यून से अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द वेंट्रिकल पर मिनट. ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द वेंट्रिकल्स पर मिनट, पर मिनट. इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू योर हार्ट रेट. तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था अपना 70, ठीक है 70, और अपनी हार्ट रेट क्या है 72, तो कितना हुआ 5040. तो मतलब एक मिनट के अंदर
जो आपका हार्ट है वो कितना ब्लड पंप करता है, 5 लीटर, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए आप 5 लीटर ऑफ ब्लड पंप्ड बाय अवर हार्ट पर मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो आपका कार्डिक आउटपुट है वो क्या होता है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू योर हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपने निकाला था 70 इनटू 72 इज इक्वल टू 5040, तो मतलब अराउंड 5 लीटर ऑफ ब्लड इज पंप बाय योर हार्ट पर मिनट, ठीक है। कितना, 5 लीटर ब्लड जो है हमारा हार्ट पंप करता है पर मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी, कुछ वैल्यूज थी, पूछ सकता है एग्जाम में कि कार्डियक आउटपुट कितने होती है, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है। तो यू शुड नो द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज 120 एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज 50 ml, स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml एंड योर कार्डिक आउटपुट इज 5040, दैट इज योर 5 लीटर, क्लियर। अब हम देखते हैं लब डब साउंड अपन ने पढ़ी, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो बच्चे देखते हैं, ठीक है, लब एंड डब, ठीक है। लब को क्या कहा जाता है, फर्स्ट हाउट साउंड S1, डब को S2 से डिनोट कर सकते हैं। लब की कंडीशन में आप देखिए ग्राफ है, ठीक है, जब इंटेंसिटी, इसमें क्या है, इंटेंसिटी ज्यादा है और सॉरी इंटेंसिटी कम है और टाइम ज्यादा लग रहा है इसमें, ठीक है। वही डब, डब के केस में इसको डब लिख सकते हैं, कुछ में डब भी लिखा है, बट हम लब डब ही बोलते हैं, तो हम इसको लब डब ही बोलेंगे, क्लियर। तो इसमें क्या हो रहा है, इंटेंसिटी ज्यादा है और टाइम कम है, तो इस केस में याद रखिए इंटेंसिटी ज्यादा है और टाइम कम है, इस केस में इंटेंसिटी ज्यादा है और टाइम कम है, और उस केस में टाइम ज्यादा है, ठीक है। और ये क्या है, ये डल होता है और प्रोलॉन्ग्ड होता है, ठीक है। जो लब की जो साउंड होती है, इट इज डल एंड प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग मतलब वो थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए होती है, इट इज अराउंड 0.15 सेकेंड। वहीं पे हम बात करें डब साउंड की, ठीक है। डब साउंड कब क्या होती है, वो शार्प होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और पिच जो होती है हाई पिच होती है, ठीक है। तो कितने टाइम के लिए होती है, 0.1 सेकेंड के लिए होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लब साउंड कब आती है, जब क्या होता है, जब के वॉल्व क्या करते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। जब आपके वॉल्व जो है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो जब क्लोज होते हैं, तब कौन साउंड होती है, लब। डब साउंड कब आती है, जबकि सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ताकि ब्लड जो है वो आर्टरीज से वापस वेंट्रिकल के अंदर ना आ जाए, ठीक है। तो इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और यू कैन नॉट बिगिनिंग, आप प्रॉपर वर्ड नहीं ले सकते, एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। तो उस टाइम पे ही होता है, और ये होता है इन द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब चारों कंपार्टमेंट जो क्या होते हैं, रिलैक्सिंग कंडीशन में होते हैं, कॉज्ड बाय क्लोजर ऑफ AV वॉल्व, वही बात मैं बोल रही हूं, जो वॉल्व है वो क्लोज हो जाते हैं, कॉज्ड बाय क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, क्लियर है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंस थे किसके अंदर, लव साउंड एंड डब साउंड। अच्छा, अब इन साउंड को हम कैसे वो करते हैं, इनको पता कैसे लगता है डॉक्टर को, स्टेथोस्कोप के थ्रू, ठीक है। स्टेथोस्कोप होता है, उसके थ्रू कान में लगा के पता इन साउंड को फील करता है डॉक्टर। एंड जो आपकी साउंड है, जो हार्ट साउंड होती है बच्चों, कई बार इनमें डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, अलग अलग हार्ट साउंड साउंड आती है, जैसे ये लब डब नहीं, कुछ और आएंगी वो साउंड, उस केस में क्या होता है, जो वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ डिफेक्ट या कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको कहा जाता है मुरमुर डिजीज, ठीक है, इट इज कॉल्ड मुरमुर डिजीज। और स्टेथोस्कोप जो है वो पहली बार किसने इन्वेंट किया था, लैनक, ठीक है, लैनक थे, उन्होंने स्टेथोस्कोप को डिस्कवर किया था। अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर, क्या पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है बच्चों, जो ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, जो हार्ट से जो ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो कहां पे जाता है,
आपने इस तरह से स्ट्रक्चर देखा है, आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज देन ब्रांचेस में डिवाइड करती हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आर्टरियोल्स में डिवाइड करती हैं, देन क्या आता है, कैपिलरीज में डिवाइड होता है, देन कैपिलरीज, कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्यूल्स एंड देन वेन्स, ठीक है, इस तरह से दीज आर वेन्स, दीज आर आर्टरीज, आर्टरीज, दीज आर आर्ट्रियोल्स, दीज आर कैपिलरीज, इस तरह से अरेंजमेंट होता है. ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ये इसकी एक जनरल डेफिनेशन है. ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है किस पे, ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो होता है आपका ब्लड प्रेशर. लेकिन जब बच्चों जो ब्लड का प्रेशर है, ठीक है, यहां पे आया ब्लड, यहां पे आया तो यहां पे ज्यादा प्रेशर से आएगा ब्लड, ठीक है, आर्टरीज में, फिर देन आर्टरियोज में और थोड़ा कम, कैपिलरीज में आएगा तो ब्लड का प्रेशर और कम हो जाएगा, वेन्यूल्स में और वेन्स में जाते जाते वो काफी कम हो जाता है. तो जब हम प्रेशर को, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हम देखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर आर्टरीज के ऊपर ही होता है. तो क्लियर कट जो हम लिखते हैं इसको, प्रेशर यहीं पे इसको चेंज कर लेते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज, दैट इज योर ब्लड प्रेशर. ठीक है, तो ये होता है ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है फर्दर, सिस्टोलिक, सिस्टोल, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ये दो तरह का प्रेशर होता है बच्चों, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन. तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम पे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ठीक है, व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, और ये प्रेशर कब होगा, जब वेंट्रिकल्स क्या होंगे, रिलैक्स करेंगे. ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है एक, डायस्टोलिक, दो तरह के प्रेशर होते हैं. जब आपका डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है तो वो एक वैल्यू लिखता है फिर दूसरी वैल्यू लिखता है. ठीक है, तो पहला जो लिखता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब आपके वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, और दूसरा करता है जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं. तो दो तरह के प्रेशर होते हैं. इसकी वैल्यू जो होती है इट इज अराउंड 120 mm ऑफ मरकरी, जो नॉर्मल एडल्ट के अंदर इसकी वैल्यू होती है 120 mm ऑफ मरकरी होती है. और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है इट इज अराउंड 80 mm ऑफ मरकरी. ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120 mm ऑफ मरकरी, डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ मरकरी. इसको लिखा कैसे जाता है, 120 upon 80 mm ऑफ मरकरी, इस तरह से इसको लिखा जाता है. ठीक है, जब डॉक्टर पर्ची बनाता है ना तो ऐसे लिखता है 120 upon 80, इस तरह से वो लिखता है. अच्छा बच्चों, अब एक पल्स प्रेशर. ठीक है, पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर,
पल्स प्रेशर होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर माइनस योर डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो पल्स प्रेशर क्या हुआ, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, तो कितना हुआ 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 mm ऑफ मर्करी, ये होता है आपका पल्स प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को किससे नापा जाता है, स्फिग्मोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमीटर। अच्छा बच्चों, ब्लड प्रेशर को किससे अपन मेजर करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, इससे ब्लड प्रेशर को नापा जाता है, ठीक है। पहली बार किसने दिया था, ये साइंटिस्ट का नाम है एन कैरोटकॉफ। एन कैरोटकॉफ जो है इन्होंने स्फिग्मोमीटर को डिस्कवर किया था, ठीक है। जो पहला स्फिग्मोमीटर था बच्चों, उसमें डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर दोनों मेजर नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस किए, देन उन्होंने क्या बनाया, स्फिग्मोमीटर विच कैन कैलकुलेट आर सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, दोनों को वो मेजर करता है। अब हम देखते हैं जो आपका ब्लड प्रेशर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, वो किस तरह से होता है और कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर को। ये क्या है, बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आप देखते होंगे किस तरह से होता है वो, कुछ याद करें, इस तरह से ट्यूब होती है एक, ठीक है, इस तरह से एक ट्यूब सी होती है कांच की, यहां पे नंबरिंग होती है इस तरह से, ठीक है, लाइक यहां पे मान ली 60, 80, 100, 120, 140, 160, इस तरह से 200 तक या 220, इस तरह से ये वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ये कांच की ट्यूब होती है इसमें नंबरिंग होती है, ठीक है, ये कैसे मेजर होती है, mm ऑफ मर्करी, ठीक है, जो वैल्यूज जो होती है मेजर होती है mm ऑफ मर्करी। इस ट्यूब से यहाँ पे इस तरह से आपने देखा होगा एक बल्ब सा दिखता है, ग्रीन कलर का, ठीक है, बल्ब सा होता है, इस बल्ब में क्या फिल होता है, इस बल्ब में होता है मर्करी, ठीक है बच्चों, जो बल्ब है इसमें मर्करी भरा होता है, इसमें होता है मर्करी। देन आगे फर्दर जाके एक और ट्यूब यहां से निकलती है इस तरह से, ठीक है, ये किसको अटैच होती है, इस तरह से, ठीक है, ये अटैच होती है आपकी कफ से, दिस इज कॉल्ड कफ। इस कफ से फिर यहां से एक और ट्यूब निकलती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह ट्यूब निकलती है और नीचे एक और पंपिंग, एक और पंप होता है, ठीक है, इस पंप का यहां पे एक नॉब होता है, क्लियर। इस तरह से आपका ये होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, यहां पे एक बल्ब टाइप होता है, इसमें मर्करी भरा होता है, यहां से एक ट्यूब निकलती है जो कि जाके कफ में जाके खुलती है, एंड इस कफ के नीचे से यहां से भी एक ट्यूब निकलती है जहां नीचे एक पंप अटैच होता है जिसका क्या होता है, नॉब होता है। अब जब इस पंप को आप प्रेस करते हैं, ठीक है, प्रोसीजर कैसा होता है, एक्चुअली इसको पंप किया जाता है, ठीक है, जब इसको पंप किया जाता है तो ये जो कफ है ये इन्फ्लेट हो जाता है, इसमें हवा भर जाती है इस कफ के अंदर, फिर इस कफ को यहां बाजू में बांधा जाता है, आपके आर्म में इसको बांधा जाता है, प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो मर्करी है वो इस ट्यूब में भरने लगेगा, यहां से मर्करी इस ट्यूब में भरने लगेगा, ठीक है, जब यहां से को प्रेस करेंगे बच्चों तो ये जो कफ है वो इन्फ्लेट हो जाता है, देन यहां से मर्करी का लेवल इस ट्यूब में इंक्रीज होता है, इस लेवल को अराउंड 200 तक
जाने दिया जाता है, ठीक है, 200 तक मैक्सिमम इसको, इस लेवल को, मरकरी का लेवल जो है यहां तक जाता है। अब इस जब ये 200 पे गया, उस टाइम पे क्या होता है, जो आपकी रेडियल आर्टरी होती है, ठीक है, जब आपने इसको यहां पे बांध लिया, इसको प्रेस किया, तो ये रेडियल आर्टरी जो होती है आपकी यहां से, ठीक है, ये क्या होती है, कोलैप्स हो जाती है, ठीक है, रेडियल आर्टरी कोलैप्स हो जाती है, कोलैप्स, मतलब सिकुड़ जाती है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग रुकिए आप, कोलैप्स, ठीक है, रेडियल आर्टरी कोलैप्स हो जाती है बच्चों, ठीक है। अब किस कहां पे, जब ये जो मरकरी का लेवल है 200 तक आ जाता है, अब रेडियल आर्टरी कोलैप्स हो गई है, तो मतलब यहां पे नो ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, अब कोई भी ब्लड इस आर्टरी में नहीं आएगा, रेडियल आर्टरी में कोई ब्लड नहीं है, ठीक है, और जो प्रेशर है वो क्या है, इंक्रीज है, प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। अब इस टाइम पे जब स्टेथोस्कोप यूज किया जाएगा, ठीक है, जब यहां पे आपने वो कफ बांधा है, इसके ऊपर यहां ब्रैंकियल आर्टरी होती है यहां पे, तो यहां पे जो है स्टेथोस्कोप को रखा जाता है और कान से लगाया जाता है, ठीक है, डॉक्टर उसको कान से लगाता है। उस टाइम पे आप देखते हैं, जब ये वैल्यू 200 पे चली जाती है, उस टाइम पे जो आपकी रेडियल आर्टरी है उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होगी, कोई भी आवाज कुछ भी नहीं सुनाई देगा, ठीक है। वो टाइम ऐसा होता है जब डॉक्टर उसको कान से लगाते हैं, उस टाइम पे कुछ भी आवाज नहीं आती है, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है सब कुछ, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, किस टाइम पे होता है ये, जब ये वैल्यू जो है 200 पे आ जाती है, जब ये जो कफ है पूरी तरफ से रेडियल आर्टरी को क्या करता है, कोलैप्स कर देता है, उस टाइम पे कोई भी वॉल्यूम कुछ भी सुनाई नहीं देगा, नो साउंड, नथिंग, देन क्या होगा, ठीक है, कोई साउंड नहीं है। अब धीरे धीरे इस पंप को, नॉब को घुमाया जाता है, ठीक है, धीरे धीरे इस नॉब को घुमाएंगे तो यहां से मरकरी का लेवल क्या होगा, कम होने लग जाता है, कोई भी साउंड कुछ भी नहीं है अभी तक, ठीक है। जैसे सपोज करिए ये मरकरी का लेवल 120 तक आया, ठीक है, 120 पे आया, नॉर्मल एडल्ट की बात कर रही हूं, तब एक आवाज आती है, टन ऐसे करके एक आवाज आती है, ठीक है, तो वो होता है आपका फर्स्ट साउंड, ठीक है, दैट इज योर सिस्टोलिक साउंड, और यू कैन से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्लियर हुआ, ठीक है। जब ये मरकरी का लेवल धीरे धीरे नीचे आया, यहां से वॉल्व को घुमाया, ठीक है, तो एकदम से कान से बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, वो एकदम से आवाज आती है, ठीक है, टर्न ऐसे करके आवाज आती है, तो वो डॉक्टर को पता लग जाता है कि दिस इज योर फर्स्ट सिस्टोलिक प्रेशर। देन इस वॉल्व को और थोड़ा थोड़ा घुमाया जाता है, ठीक है, तो वो और नीचे मरकरी का लेवल जाता है, ठीक है, 80 तक आते आते ऐसा हो जाता है कि कुछ भी सुनाई मतलब नहीं देता है, बिल्कुल वो जो आवाज थी वो बिल्कुल खत्म होती जाती है, तो दैट इज योर डायस्टोलिक प्रेशर, कितना था, 80 mm ऑफ मरकरी इन नॉर्मल लेवल, तो कितना अपन इसको लिखते कैसे, 120/80 mm ऑफ मरकरी, ठीक है बच्चों। इस तरह से जो स्फिग्नोमैनोमीटर है वो इस तरह से काम करता है, लेकिन ये वही सुन सकता है डॉक्टर जैसे जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो धीरे धीरे करके, ये जो क्योंकि ये जो साउंड्स आती हैं मेन, ये साउंड्स ही होती हैं, ठीक है, ये साउंड कब पहले सिस्टोलिक साउंड आ रही है, कब दूसरी आ रही है, तो ये चीज समझना जरूरी होता है। अब हमने देखा ब्लड प्रेशर, जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ब्लड प्रेशर क्या ज्यादा होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, ओल्ड एज पीपल कितना होता है, इट इज अराउंड 140 ले जाते हैं वैसे, इट इज अराउंड 140 ही लिया जाता है, और जो नीचे की वैल्यू होती है इसको 90, ठीक है, इस रेंज को जो है वो नॉर्मल माना जाता है, दिस इज द नॉर्मल फॉर ओल्ड एज पीपल, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों
जो और जो हम लोग होते हैं हमारे अंदर कितना होता है 122, जो नीचे की वैल्यू वो 80 होती है। अब जो ब्लड प्रेशर में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है? ब्लड प्रेशर एक तो स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, आप स्ट्रेस के सिचुएशन में है उस टाइम भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। क्या होता है उस टाइम पे? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, क्यों? जो आपका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वहां से क्या रिलीज होता है? एड्रेनलिन, ठीक है, तो क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ठीक है। स्ट्रेस की सिचुएशन में एड्रेनलिन रिलीज होता है। और इसके अलावा अगर आपकी ब्लड वेसल्स में कोई चीज अटक जाती है, ब्लड प्रेशर में, सॉरी ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, कोई जो ब्लड वेसल है उसके अंदर कुछ डिपोजिशन हो जाता है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन को हम आगे स्टडी करेंगे, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये दो कंडीशंस होती हैं, इनको आगे डिजीज में अपन देखेंगे। इसके अलावा बच्चों ब्लड प्रेशर कब इंक्रीज होता है? ब्लड प्रेशर आपका तीन कंडीशन अपन ने देखी, ओल्ड एज, ठीक है, जब जो लोग ज्यादा एज के होते हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, स्ट्रेस के टाइम पे, और जब ब्लड वेसल्स में कुछ रुकावट आ जाती है, इन कंडीशंस में क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं पल्स। पल्स क्या होती है? पल्स होती है वेव ऑफ डिस्टेंशन, इट इज अ वेव ऑफ डिस्टेंशन फील ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज, ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज फॉलोइंग बाय हार्ट बीट। हम अपने पल्स को चेक करते हैं, ठीक है, पल्स, जब डॉक्टर आपकी पल्स चेक कर रहा होता है तो बेसिकली वो क्या चेक कर रहा होता है? आपकी हार्ट बीट को ही चेक कर रहा होता है, ठीक है, वो कुछ नहीं चेक कर रहा होता, आपकी हार्ट बीट को ही चेक करता है। तभी बोला है पल्स क्या है? वेव ऑफ डिस्टेंशन, एक वेव है, ठीक है, इस तरह से, जो कहां पे फील होती है? आपकी आर्टरीज की वॉल में फील होती है, फॉलोइंग बाय द हार्ट बीट। किस तरह से? सपोज करिए आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है, आर्टरीज में जा रहा है, ठीक है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो यहां पे क्या हो गया? ब्लड आ गया। ये कंडीशन है व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइम पे क्या हो, इन ब्लड वेसल में ब्लड आ गया, ठीक है। अब हार्ट क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। उस टाइम पे क्या, जो ब्लड वेसल है इनके अंदर ऑलरेडी ब्लड है, ठीक है, यहां पे ऑलरेडी ब्लड आ गया, तो कोई भी नया ब्लड एंटर नहीं कर रहा है, ठीक है। अब अगेन हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब क्या होगा? इस तरह से ब्लड वेसल है, इसके अंदर ऑलरेडी ब्लड है, लेकिन अब जब हार्ट ब्लड पंप करेगा, ठीक है, तो यहां पे जो नया ब्लड आएगा, ठीक है, वो इस ब्लड के यहां से ऐसे एंटर करेगा, ठीक है। ऑलरेडी जब हार्ट ने ब्लड पंप किया तो ऑलरेडी ब्लड था, मतलब ब्लड आया इसके अंदर, ठीक है, फिर हार्ट ने रिलैक्स किया, उस टाइम पे ब्लड वेसल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट था। अगेन हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जो ब्लड पहले से मौजूद है उसको जो नया ब्लड है उसने धक्का दिया, ठीक है, फोर्स के साथ ब्लड आया, तो उससे क्या हुआ? उससे जो ब्लड वेसल की वॉल होती है बच्चों, ये इनके ऊपर इस तरह से, क्योंकि जो वॉल होती है ये क्या होती है? इलास्टिक होती है, तो इन वॉल्स में स्ट्रेचिंग होती है, ये वॉल है इस तरह से स्ट्रेच होती है, जो आर्टरीज की वॉल है वो वॉल क्या हुई? स्ट्रेच हुई, क्योंकि वो इलास्टिक होती है। अब ये वॉल जो स्ट्रेच हुई किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ डिस्टेंशन, दैट इज योर पल्स, ठीक है। तो पल्स क्या हुई? वेव ऑफ डिस्टेंशन फील ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज फॉलोइंग बाय हार्ट बीट।
क्योंकि जब भी आपकी पल्स रेट चेक की जाती है बेसिकली हार्ट बीट को ही चेक किया जाता है। तो किस तरह से फॉलो करती है, इस तरह से फॉलो करती है, ब्लड वेसल जो होती है, ठीक है, पहले हार्ट ने ब्लड दिया आर्टरी को, देन हार्ट ने रिलैक्स किया, उस टाइम पे ब्लड वेसल के अंदर जो आर्टरी है उसके अंदर ऑलरेडी ब्लड है, देन अगेन हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जो पहले से मौजूद ब्लड था उसको जो न्यू ब्लड एंटर कर रहा है उसने पुश किया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो आर्टरीज की वॉल थी ये स्ट्रेच हुई, ठीक है, क्योंकि ये वॉल क्या होती है, इलास्टिक होती है, कोलेजन की बनी होती है, तो ये वॉल जब एक्सटेंड हुई, स्ट्रेच हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, वेव ऑफ एक्सटेंशन फील होती है। इस तरह से पल्स रेट चेक होता है। और जो अपने पल्स रेट होता है उसको अपन ने वैसे जानते हैं, जो आर्टरीज होती हैं बेसिकली क्या होती हैं, वो बीनीथ होती है, अंदर होती हैं, लेकिन कुछ आर्टरी सुपरफिशियल होती हैं, लाइक आपकी रेडियल आर्टरी, ठीक है, इस तरह से थंब साइड में होती है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक रेडियल आर्टरी होती है, जो अल्ना होते हैं आपका, इस तरफ से भी एक रेडियल आर्टरी होती है, दो रेडियल आर्टरी, एक इस तरफ से एक इस तरफ से होती है, के साथ ही आपका नेक रीजन में, ठीक है, आपके टेम्पल रीजन में, जब आप यहाँ पे ऐसे प्रेस करते तो आपको आर्टरी फील होती है, आपके एंकल रीजन में भी आर्टरी का आप फील करते हो। तो ये थी आपकी पल्स। पल्स क्या होती है, वेव ऑफ एक्सटेंशन फील ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज फॉलोइंग बाय द हार्ट बीट, दैट इज योर पल्स। अब बच्चों हम देखते हैं पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम, पोर्टल का मतलब ही क्या हुआ, पोर्टल का मतलब होता है, जैसे बोल रहे हैं कि आजकल पोर्ट, हर चीज पोर्टेबल हो गई है, मतलब यहां से लेके वहां तक चीज को सप्लाई करती है, ठीक है, पोर्टल मतलब सप्लाई होना एक तरह से। तो हम यहां पे पढ़ेंगे पोर्टल सिस्टम, ठीक है, जो हार्ट का है पोर्टल, जो पोर्टल सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल सर्कुलेशन पता होनी चाहिए हार्ट की। हमने देखा था ये हार्ट है, हार्ट से क्या आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है, आर्टरी निकल रही है, फर्दर आर्टरियोल्स में डिवाइड हो रही है, देन किसमें, कैपिलरीज में हो रही है इस तरह से, देन वेन, और इस तरह से वापस डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में वापस जाता है, ठीक है, और ये कैपिलरीज किसमें ओपन होती हैं, ऑर्गन के अंदर। ये तो है आपका नॉर्मल सर्कुलेशन। आपका पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टल सिस्टम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टल सिस्टम, और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन, थ्री टाइप ऑफ पोर्टल सिस्टम इज देयर। थ्री टाइप ऑफ पोर्टल सिस्टम, जो पोर्टल वेन होती हैं, और यू कैन से जो पोर्टल वेन काम करती हैं, उसके हिसाब से तीन तरह के पोर्टल सिस्टम है। नंबर वन इज योर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, देन हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, थर्ड इज आप, तीसरा कौन सा आपका, रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है बच्चों, तीन तरह के पोर्टल सिस्टम है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। नॉर्मल सर्कुलेशन में हम दोबारा जाते हैं, क्या देखा था, हार्ट है, ठीक है, आर्टरीज से ब्लड सप्लाई हो रहा है किसको, ऑर्गन्स को, ठीक है, आर्टरीज किसमें ओपन हो रही है, कैपिलरीज में, देन यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो भी हार्मफुल गैसेज है वो यहां पे जा रही है, देन अगेन ब्लड गो बैक टू द हार्ट। बट पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात करें तो हेपेटिक मतलब लीवर, हेपेटिक का मतलब क्या हुआ, लीवर हुआ, ठीक है। तो बच्चों इस केस का हम डायग्राम बनाएं, तो सबसे पहले क्या ये हार्ट है, इस तरह से हार्ट, इन केस में क्या होता है, हार्ट से आर्टरी निकली, ठीक है, इस तरह से डिवाइड हुई आर्टरियोल्स में, अगेन इंटू कैपिलरीज,
ठीक है। अब ये सपोज करिए कौन सा ऑर्गन है, ये अपन ले रहे हैं यहाँ पे इंटेस्टाइन, ठीक है। सपोज करिए जो कैपिलरीज किस में ओपन हो रही है, इंटेस्टाइन में ओपन हो रही है, ठीक है। ये है आर्टरी, ठीक है। हार्ट से ब्लड गया, ठीक है, आर्टरी के थ्रू इंटेस्टाइन में गया। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी आपने खाना खाया है वो डाइजेस्ट होगा, ठीक है। खाना क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब जो कुछ चीजें जो हमें, जैसे जो अमीनो एसिड है फूड, मतलब अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब क्या क्या होंगे, यहां से ब्लड में भेजे जाएंगे ताकि उनका फर्दर यूज हो सके, ठीक है। तो यहां से इंटेस्टाइन से वो सब चीजें कौन लेके जाएगा, यहां से आएगी आपकी वेन, ठीक है। यहां से एक वेन जाएगी जो किसमें ओपन होगी, अगेन लीवर के अंदर ओपन होगी, ठीक है। ये वेन जो है फर्दर जाके कैपिलरीज में डिवाइड होगी अगेन इस तरह से, इस तरह से अगेन इट विल डिवाइड इनटू द कैपिलरीज, देन इट ज्वाइन एंड गो टू द हार्ट। तो नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या था, सिर्फ एक ऑर्गन था वहां से सर्कुलेशन हो रहा था। इस केस में बच्चों हार्ट है, ठीक है, यहां पे पहला ऑर्गन है इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन से क्या, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड सब कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में चला गया है। अब अपन डायरेक्ट तो इसको हार्ट में नहीं दे सकते, ठीक है। अब इसको एक इंटरमीडिएट ऑर्गन चाहिए, ठीक है, इंटरमीडिएट ऑर्गन, और इस केस में क्या है, लीवर। इंटरमीडिएट ऑर्गन है लीवर, तो यहां से जो भी मटेरियल था अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैट, ग्लिसरॉल, वो सब गया इंटेस्टाइन में, ठीक है। जो ग्लूकोज है वो किसमें, लीवर में से किसमें वो हो गया कन्वर्ट, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अमीनो एसिड से क्या बना, प्रोटीन बन गया। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से फैट बन गया, ठीक है। ये सब काम कौन करेगा, लीवर करेगा। तो इसकी जरूरत पड़ी, इंटरमीडिएट ऑर्गन की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो ये है आपकी हिपैटिक पोर्टल वेन। ये जो वेन है वो हिपैटिक पोर्टल वेन है। इसमें टू सेट ऑफ कैपिलरीज आपको दिख रहे हैं, दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज, दिस इज सेकेंड सेट ऑफ कैपिलरीज। देन यहां पे सब कुछ लीवर में चला गया, ठीक है। देन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहां गया, फिर हार्ट में चला गया। तो क्या डिफरेंस आया, आपको डिफरेंस आया कि एक इंटरमीडिएट ऑर्गन एक्स्ट्रा होता है पोर्टल सिस्टम में, एंड एक एक्स्ट्रा पोर्टल वेन होती है, जो चीज नॉर्मल सर्कुलेशन में नहीं होती है। अब हम देखते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। हाइपोफिजियल, हाइपोफिजियल मतलब जो हार्ट है, सपोज करिए हार्ट है आपका, अगेन यहां से आर्टरी निकली, फर्दर कौन से ऑर्गन में ओपन हुआ, अपन इस यहां पे ले रहे हैं हाइपोफिजियल, तो मतलब हाइपोथैलेमस। आर्टरी जो ओपन हुई, ठीक है, जो कैपिलरीज किसके अंदर है, हाइपोथैलेमस के अंदर है। यहां से अब हाइपोथैलेमस से जो क्या रिलीज होगा, हार्मोन्स रिलीज होंगे, न्यूरो हार्मोन्स रिलीज होंगे। अभी न्यूरो हार्मोन जो है वो डायरेक्ट अपन ब्लड में नहीं भेज सकते, डायरेक्ट हार्ट में भेजेंगे अगर तो वो सारी बॉडी को सप्लाई हो जाएंगे, तो उसका तो हमें कोई काम नहीं है। तो जो हार्मोन है वो कहां पे जाने चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाने चाहिए, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो यहां से कौन सी वेन निकलेगी, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। वो वेन यहां से निकलेगी, ठीक है, ये ब्लू में इस तरह से कहां पे जाके ओपन होगी, इंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। इस तरह से अगेन वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से अगेन एंड जाके फिर हार्ट में। तो दिस इज क्या, ये पिट्यूटरी लोब, एंटीरियर पिट्यूटरी बोल सकते हैं आप, एंड दिस इज हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। इस केस में भी अगेन देर इज अ इंटरमीडिएट ऑर्गन एंड देर इज वन पोर्टल वेन। तो
पोर्टल वेन का काम क्या है बच्चों, यहां से जैसे इसने क्या किया, यहां से हार्मोन्स लिए, ठीक है, यहां से हार्मोन्स कलेक्ट किए कैपिलरीज ने, देन ब्लड के थ्रू वो पिट्यूटरी लोब में जाके डंप कर दिए उसने, तो क्या काम कर रहे, ऑफलोडिंग, चीज को लेके जा रहा है देन उसको ऑफलोड कर रहा है, लेके जा रहा है चीज को देन ऑफलोड कर रहा है, तो ये काम करती है आपके पोर्टल वेन, ठीक है। तो यहां पे भी इंटरमीडिएट ऑर्गन हुआ पिट्यूटरी लोब, क्योंकि क्यों जरूरत पड़ती है इंटरमीडिएट ऑर्गन की, क्योंकि जो हार्मोन निकल रहे हैं यहां से तो कोई मतलब नहीं है उनको हार्ट में भेज के वो पूरी बॉडी को चले जाए, जो जहां पे जिसका रिक्वायरमेंट है वो चीज वहीं पे जाए तो जरा बेटर होता है। तो हमारे अंदर भी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है एंड हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम भी हमारे अंदर पाया जाता है। अब हम आते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल का मतलब किडनी, रिलेटेड टू किडनी। इस सिस्टम में क्या होता है, अगेन हार्ट बनाते हैं, ये मैं थोड़ा क्लीन कर रही हूं इधर, अगेन दिस इज हार्ट, अगेन यहां से आर्टरी निकली, बॉडी पार्ट्स में गई, ठीक है, इस केस में हम लेते हैं बॉडी पार्ट्स, अगेन जो है आर्टरीज किस में डिवाइड होगी, कैपिलरीज में, इस तरह से कैपिलरीज में ओपन होगी, एंड दीज आर बॉडी पार्ट्स। किडनी का काम क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप, हार्ट से ब्लड यहां पे आया, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में, यहां से बॉडी पार्ट से क्या, जो भी चीजें हार्मफुल CO2 नाइट्रोजनस वेस्ट, वो सब बॉडी पार्ट से इन कैपिलरीज के अंदर चली गई। अब इन कैपिलरीज से क्या अराइज होगी, पोर्टल वेन। अब यहां से पोर्टल वेन अराइज होगी इस तरह से, और वो किसमें ओपन होगी, किडनी के अंदर, अगेन डिवाइड इनटू सेट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, किसमें ओपन हुई, किडनी, देन किडनी में क्या हुआ, जो भी यहां से हार्मफुल चीजें ली थी वो किडनी में जाके डंप कर दी पोर्टल वेन ने, क्यों, ताकि वहां पे जाके ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो सके, देन यहां से अगेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट को चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इंटरमीडिएट ऑर्गन कौन है, किडनी, क्योंकि जब बॉडी पार्ट से बच्चों जो भी हार्मफुल चीजें निकल रही हैं उनको अगर हम अगेन ब्लड में हार्ट में दे दें तो वो पूरी बॉडी को चली जाएंगी, तो बहुत नुकसान हो सकता है, इसीलिए इंटरमीडिएट ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे इस तरह से किडनी में ओपन हो गए, ठीक है, जो ऑर्गन के अंदर कैपिलरीज ओपन होती है, हेयर किडनी के अंदर कैपिलरीज ओपन हुई, देन यहां पे जो भी मटेरियल आया था, ठीक है, जो भी कैपिलरीज ने यहां से ब्लड से मटेरियल आया वो किडनी के अंदर चला गया, देन यहां से फिर ब्लड अगेन हार्ट को सप्लाई हुआ। तो ये था आपका रीनल पोर्टल सिस्टम। सबसे ज्यादा वेरी वेल डेवलप्ड ये किसके अंदर होता है, एम्फीबियंस के अंदर, सबसे ज्यादा वेरी वेल डेवलप्ड होता है ये एम्फीबियंस के अंदर। तो बच्चों जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो वेरी वेल डेवलप्ड इन फिशेज एंड एम्फीबियंस, ठीक है, इनके अंदर सबसे ज्यादा वेरी वेल डेवलप्ड होता है, एंड वेल डेवलप्ड होता है रिप्टाइल्स के अंदर, ठीक है, रिप्टाइल्स के अंदर ये वेल डेवलप्ड होता है। इसके अलावा बर्ड्स के अंदर ये वेस्टिजियल होता है, वेस्टिजियल इन बर्ड्स, एंड ह्यूमन के अंदर एब्सेंट होता है, ये एब्सेंट इन ह्यूमंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी आपका पोर्टल सिस्टम या पोर्टल सर्कुलेशन। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, पोर्टल वेन क्या काम करती है, ठीक है, पोर्टल वेन एक जगह से चीजों को कलेक्ट करती है, देन दूसरे ऑर्गन में जाके उन चीजों को ऑफलोड कर देती है, उनको डंप कर देती है, इतना सा काम होता है पोर्टल वेन का। तो यही मतलब हुआ पोर्टल। तो दिस इज योर पोर्टल सिस्टम और पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन। स्टूडेंट्स
हेपेटिक अपना सॉरी पोर्टल सिस्टम अपन ने देख लिया, जो आपकी रीनल वेन होती है, ठीक है, रीनल वेन कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है, कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट्स. सेकेंड आपकी हेपेटिक वेन होती है, इट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, ठीक है. तो इन लाइन्स को आप एज इट इज लिख लीजिए, रीनल वेन कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड योर हेपेटिक वेन कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया. क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिजीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिजीज रिलेटेड टू सर्कुलेशन एंड हार्ट. अलॉन्ग विद दैट विल डिस्कस अबाउट ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ.